हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रीम के बेनिफिट्स, जो कि है ग्लाइको 6 एंड ग्लाइको 12। इस वीडियो में मैं इन दोनों क्रीम्स का डिटेल रिव्यू दूंगी कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन यूज़ कर सकता है और क्या आपको फ़ायदे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो दोनों क्रीम्स हैं, ये ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम है। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि शुगर केन से डिराइव किया जाता है एंड ये स्किन के लिए कम्प्लीटली सेफ है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। तो जो इसका सबसे पहला बेनिफिट है वो है, ये आपकी स्किन पे अगर झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल या एक्ने के निशान आपको रह गए, उसको फेड करने में हेल्पफुल है। ये जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करता है, जिससे जो स्किन का अनइवन टोन है वो इवन आउट होता है एंड आपको आपकी स्किन और ज़्यादा ब्राइट हेल्दी लगेगी। दूसरा बेनिफिट है कि आपकी स्किन को स्मूथन करता है, तो कोई अनइवन टेक्स्चर है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे कि आपके स्किन के डीपर लेवल्स में जाके इजीली पेनिट्रेट होता है एंड वहाँ पे स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो एक्सफोलिएशन इसका प्राइमरी यूसेज है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो स्किन की अपर लेयर्स में डेड डल स्किन है उसको रिमूव करती है, तो जो स्किन की लोअर लेयर्स में स्किन है वो आपको रिवील होगी। एंड इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है, अगर आपको फाइन लाइंस या रिंकल्स आप नोटिस कर रहे हो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है एंड स्किन के इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है, तो इसके रेगुलर यूज़ से आपको आपकी स्किन और ज़्यादा यंग लगने लगेगी। उसके साथ साथ ये स्किन पे एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये जो आपकी स्किन के डीपर लेवल्स में जाके स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड पोर्स को अनक्लॉग करता है, तो ये एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है, जिससे कि एक्ने, पिंपल्स भी रिड्यूस होते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 6% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम यूज़ कर सकते हो एंड आप ऑलरेडी 6% यूज़ कर चुके हो या आप टॉलरेट कर सकते हो, तो आप 12% पे मूव कर सकते हो। हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा रात में ही यूज़ करना है, कभी दिन में यूज़ ना करें, इसका एक पी साइज अमाउंट ही यूज़ करें। ऑयली स्किन है तो ऑल्टरनेट डेज यूज़ कर सकते हो, ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो वंस या ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करें एंड मेक श्योर आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें। अगर आप प्रॉपरली मॉइस्चराइज करोगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस नहीं होंगे। ये क्रीम बहुत ज़्यादा सेफ है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बट इन केस आप साइड इफ़ेक्ट्स नोटिस करते हो, जैसे कि स्किन पे कई बार ड्राइनेस, रेडनेस या इरिटेशन या कोई बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, तो आप इस क्रीम को रोक दो फॉर अ वीक एंड सिर्फ स्किन को अपनी मॉइस्चराइज ही करो। जब आपको लगे आपकी स्किन बेटर हो गई है तो ही आप इस क्रीम के यूज़ को दोबारा यूज़ करो। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को यूज़ करते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एंड मेक श्योर आप ये प्रिकॉशंस ज़रूर यूज़ करें। पहले तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें, तभी ये क्रीम यूज़ करें एंड अगर आप कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन यूज़ करना ना भूलें एंड मेक श्योर सनस्क्रीन SPF 50 हो उसमें। एंड क्रीम को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट कैसे करना है, आप अपने चिन एरिया पर या जो कान के पीछे का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा के देख ले, उसको 24-48 आवर्स के लिए रहने दें। अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो प्लीज़ ये क्रीम यूज़ ना करें। अगर आप इस क्रीम को रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट दिखने में 4-6 वीक लग जाएंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एंड जब आप इस क्रीम को 2-3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल रोक सकते हैं, उसके बाद 1 महीने का ब्रेक लेकर फिर से क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। एंड जब भी आप ये क्रीम यूज़ करें, मेक श्योर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें एंड सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको इस इन क्रीम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।